हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब बढ़िया हो गए यार। जैसे जो भी जापान आता है ना, तो उसका एक बार बुलेट ट्रेन में बैठने का सपना जरूर होता है, क्योंकि जैसे अपनी कंट्री में अभी बुलेट ट्रेन वगैरह है नहीं, तो यहाँ पे जो भी आता है तो उसका ड्रीम होता है कि एक बार उसमें बैठना जरूर है। लेकिन बुलेट ट्रेन यार, जैसे जितनी अच्छी है उसका उतना ज़्यादा टिकट बहुत ज़्यादा महंगी है। जैसे कि बात करो कि यहाँ से अगर मैं फुकुओका में रहता, तो फुकुओका से अगर टोक्यो जाना है तो बुलेट ट्रेन के टिकट 25,000 या 26,000 की मिलती है, और यही अगर फ्लाइट से जाते हैं आप तो वही 5,500 या 6,000 की मिल जाती है। इतना ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब कि 4 गुना उसका टिकट प्राइस महंगा है। तो इसलिए कभी कभार कोई बंदा बैठ नहीं पाता। बट अगर आप जापान में हैं, अगर आप कोई अपना सपना पूरा करना बुलेट ट्रेन में बैठने का, तो सस्ते में भी पूरा किया जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे फुकुओका में रहता हूँ, तो यहाँ से हकाता से मिलती है बुलेट ट्रेन, और हकाता से नेक्स्ट स्टॉप आता है हकाता मिनामी, तो वहाँ तक के लिए बुलेट ट्रेन मिलती है। 10 मिनट की जर्नी होती है और वो टिकट है सिर्फ 300 की। मतलब कि अगर अप डाउन करना है तो 600 पड़ेगा, पर एक साइड की 300 की पड़ती है। तो यहीं पे एक अभी न्यू दो स्टूडेंट आए इंडिया से यार, उन्होंने मुझसे बोला कि यार हमें बुलेट ट्रेन में बैठना है, वहाँ से टोक्यो से उसको आना था भाई को, तो वो यही 24-25 हज़ार की पड़ रही थी, तो वो कह रहा था बहुत महंगी है। तो फिर मैंने फ्लाइट बुक करके दिया, वो सस्ती में है, बट वो बोल रहा है कि यार मुझे बुलेट ट्रेन में बैठना है। तो मैं कह चल मैं तुझे सस्ते में बैठाता हूँ। तो चलिए भाई, लोगों का सपना पूरा करते बुलेट ट्रेन में बैठने का, वो भी बहुत चीप और बहुत सस्ते में। तो चलते फिर इस भाई के बुलेट ट्रेन में बैठने का सपना पूरा करते, वो भी बहुत सस्ते में। करे करे करे, ये रहा तेरा नंबर, तेरा नंबर, तेरा नंबर। 8 बजे नॉट डिजर्ट, बैठ जाओ, यही है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये देखो ये बुलेट ट्रेन है। देखो ये ट्रेन में दोनों साइड डुअल सीट है, बट जो लॉन्ग डिस्टेंस वाली होती है तो उसमें एक साइड ट्रिपल सीट होती है, एक साइड डबल सीट होती है। देखो इन भाइयों को सबसे सस्ती ट्रेन में बैठा रहा हूँ, मतलब है सबसे महंगी ट्रेन बहुत महंगी बट टिकट सस्ती है। हाँ भाई, कैसा फील कर रहा है फिर? बहुत अच्छा फील हो रहा है, पहली बार चल रहा है। हमें ना 300 की, हमें सिर्फ घूमना था। मैं तो वैसे घूमा हुआ था, भाई लोग कह रहे थे घूमना है, तो सबसे सस्ती ट्रेन महंगी ट्रेन है, बट टिकट हमारी सबसे सस्ती 300 की ओनली। बहुत तेज, हकाता मिनामी टर्मिनल नेक्स्ट स्टेशन है हमारा, वहीं पर उतर जाएंगे। 25,000 में क्यों चढ़ना है यार? जब 300 में मिल रहा है ना, वही बात है। इस तो बोल रहा था सिंपल से चल ले आप। यहाँ से हमें 10 मिनट लगेगा पहुँचने में, 8 बजे से मिली थी, 8:10 में पहुँच जाएगी। 10 मिनट बहुत होता है एक्सपीरियंस लेने के लिए। देखो ये सामने एक डैशबोर्ड होता है, जो कि खाना खाने के टाइम पे या पीने पुने के टाइम पे कुछ पीना है तो इसका यूज़ किया जा सकता है। देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जैपनीज, इंग्लिश, कोरियन लैंग्वेज में। वाईफाई फ्री होता है इसमें, वाईफाई भी यूज़ किया जा सकता है। देखो ये चेयर में एक गिलास वगैरह या बोतल वगैरह रखने के लिए होता है, इसको ऊपर करो और ऐसे इसको कर दो, बाकी इसमें डाल लो। पुश भी होल्डर डाउन हो जाता है इसका, बाकी ये सीट के लिए होता है, आगे पीछे करने के लिए। ये देखो फ्लाइट के जैसे ही होता है, ऊपर रैक वगैरह होता है रखने के लिए। वैसे तो यार अपने इंडिया में भी होता है, इंडियन ट्रेन में भी, इतना कोई ज़्यादा इसमें वो भी नहीं है। रख ले भाई बोतल अपनी खाने पीने को। पूरी ट्रेन खाली यार, ये एक्चुअली ज़्यादा दूर के लिए नहीं है, इसीलिए कोई नहीं। पीछे एक दो है, एक आगे लेडीज बैठी है, पीछे लेडीज बैठी है, बाकी 3 हम लोग हैं। छोटा सा स्टेशन है आगे हमारा, ये हकाता मिनामी। चलो चलो, आप किसी भी नियर बाई रेलवे स्टेशन में जाके इंफॉर्मेशन डेस्क या टिकट काउंटर में पूछ सकते हैं कि सबसे चीप टिकट कहां तक के लिए है, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। एक नंबर है बेस्ट जापान JR 500। अभी बाबू अपने ड्राइवर साहब वापस लेके जाएंगे इसको। तो भाई ये रूट है, और फोटो खींचा हमारी और वीडियो भी बनवाया हमारे साथ। फिर ड्राइवर सीट है, ड्राइवर इसके अंदर बैठते हैं। वो जो अभी सामने हमारा था वो चला गया, अब इसको फ्रंट वाले जो हो गए भाई वहाँ से लेके जाएंगे, तो हम भी चलते हैं। चल भाई, सब इसी ट्रेन पे आए हैं और यही बुलेट ट्रेन हमें वापस लेके जाएगी हकाता स्टेशन।
इसका 10:20:26 यानी कि 8:26 का टाइम है। देखिए जापानीज लोग भी आए फोटो खिंचाने। देखो ये फ्रेंड का लुक है। ये जो मतलब दूर जाती ना वो काफ़ी ज़्यादा, ये जो आगे का ये लुक है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है, बट ये लोकल है इसीलिए ये मतलब कि छोटे से लग रही, बट सही है, अच्छी है। ये सामने वाली अच्छी है ना, अच्छी है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको टॉयलेट। देखो ये टॉयलेट है और इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड में बटन लॉक और अनलॉक बटन मिल जाता है, पुश करने से दरवाज़ा ओपन हो जाता है। देख सकते हैं आप कितना वाइड और क्लीन है अंदर। और यहीं पे इसको लॉक करने के लिए बटन को पुश करें तो दरवाज़ा लॉक हो जाता है स्लोली स्लोली, ये देखो। और जैसे अगर हम इसको यूज करते हैं तो सेम प्रोसेस यही है, जैसे आप अंदर जाते हैं तो आपको नीचे के साइड में लॉक बटन मिल जाता है, इसको दरवाजे को लॉक कर सकते हैं। ये ज़रूरी है करना, नहीं तो अगर कोई अंदर आ गया तो आपकी इज्जत का फलूदा हो सकता है। और देख सकते हैं टॉयलेट कितनी क्लीन है। और यहाँ पे इसको पुश करने से ये आपकी टॉयलेट सीट सेट हो जाती है, ये नीचे आराम से आ जाता है। और ये फ्लैश बटन है और ये साथ में सिंक लगा है हैंड वॉश के लिए। और यहीं पे एक डस्टबिन है, गार्बेज वगैरह है कोई आपका तो डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं। और ये बगल में एक बेबी चेयर होती है, अगर आपके साथ बच्चा है तो आप इस बच्चे को वहाँ पर अगर बैठा सकते हैं या फिर बच्चे को आप यहाँ पर लेटा सकते हैं और आप टॉयलेट को यूज कर सकते हैं। ये चेयर अलग है ना, साला रिजर्व तो नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं, बैठ, रिजर्व नॉन रिजर्व ठंकना है। देखो ये हमें आने जाने की टोटल 4 टिकट मिली थी, 2 टिकट ये जब इधर आए थे उसको यूज करने के लिए और ये 2 टिकट वापस जाने के लिए। बट ये हमने यूज नहीं किया, ये जब हम बाहर निकलते ना तब यूज होती है, तो ये वहाँ पे मतलब कि डिपॉजिट हो जाती है, बट हमने यूज ही नहीं किया। अब इससे जाएंगे बाहर वापस तो ये वाली यूज होगी हकाता स्टेशन पे। ज़्यादा स्पीड तो नहीं है यार इसमें, क्योंकि नज़दीक ही है इसलिए, बाकी यहाँ से बाहर का अच्छा नज़ारा देखा जा सकता है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और वो देखो इधर भाई अपना वो भी वीडियो बना रहा है। लो जी हम वापस आ गए हकाता फिर से 10 मिनट में, चलो लौंडो। हाँ वो है, ये जो सामने ट्रेन है ना ये दूर लॉन्ग डिस्टेंस वाली है, ये जाती है ओसाका टोक्यो नगोया। ये है जो सामने, ये लोकल चलती है कुछ दो। पूरा हकाता स्टेशन शिनखान का प्लेटफॉर्म है, ये अंदर जब एग्जिट करेंगे तो एग्जिट वाली टिकट यूज करनी पड़ेगी। यार इसको वापस करते हैं उसके पास से पुरेवा ओतो सीता मोनो दिस दारिनो कारण आई दिसका तो दो को हाय दो को ये उसके नो हकर ये हकर वो साइन एक ही माय हाय से ना करना दिस सो अरिगातो गोजाइमासु। ये मैं यार कार्ड गिर गया था उसको वापस किया, पता नहीं किसका था यार। जैसे हमें ना वो टिकट मिली थी एग्जिट के लिए तो हमने एग्जिट किया नहीं था वहाँ से ट्रेन से स्टेशन से, तो फिर वो वहाँ पे जब यहाँ पे एग्जिट कर रहे थे तो वो टिकट काम नहीं कर रहे थे, फिर हमने वो जो स्टेशन मास्टर है उसको दिया और स्पेशल सर्विस दे के हमने बाहर निकाला हमको। देखिए हकाता स्टेशन के 10th फ्लोर से ऐसा व्यू दिखता है बिल्कुल फ्रंट। हाँ भाई तो फिर उसमें शिनकानसेन में घूम के कैसा लगा, सस्ती वाली? बहुत मज़ा आया, मुझे तो पता ही नहीं था इतना सस्ते में भी शिनकानसेन में चढ़ सकते हैं। अच्छा मज़ा आया। ये भाई का तो 25,000 का सपना मैंने 300 में पूरा हो गया ना, बढ़िया लगा।
अच्छा अच्छा है, बहुत घुमा ठीक है, मजा आया, बहुत मजा आया। तो ठीक है यार, भाई लोगों से आगे दूसरी वीडियो बनाऊंगा, इनका एक्सपीरियंस लेके भाई लोगों का कि इंडिया से कैसे जर्नी स्टार्ट किया और कहाँ कैसे आए यहाँ पे। तो किसी और वीडियो में मिलेंगे, तो ठीक है भाई, बाय बाय बोलो, बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। सभी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, हम भी इसका एक सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आता है इधर, सब कुछ सीखने को मिल जाएगा, जापान में क्या होता है कैसा होता है सब कुछ देखने को मिल जाएगा, भाई से कुछ भी बारे में हेल्प मांगोगे तो मिल जाएगा, भाई इधर का सबका हेल्प करता है, हमारा भी किया, ठीक है, तो सब सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, जय हिंद।